तो फाइनली दोस्तों वाया गिर फॉरेस्ट होकर हम दीव में पहुंच चुके हैं। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो रहने वाली है। आपको थंबनेल और टाइटल देखकर वैसे आइडिया लग ही गया होगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हाँ जी दोस्तों, दीव टूरिस्ट के लिए ओपन है कि नहीं इस वीडियो के अंदर मैं पूरा का पूरा आपको बताऊंगा। टूरिस्ट आप यहाँ पर आ सकते हो या नहीं, आपको COVID-19 टेस्ट चाहिए कि नहीं, विदाउट COVID-19 आप आ सकते हो या नहीं, वो सब आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी सब मिल जाएगी। तो दोस्तों फर्स्ट, आपको कोई COVID-19 टेस्ट ऐसा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। दीव फुल्ली ओपन हो चुका है टूरिस्ट के लिए, आप आ सकते हो और फ्लाइट भी चालू हो चुकी है। तो आप फ्लाइट भी आपके लोकेशन से जा रही है तो आप फ्लाइट भी चेक कर सकते हो, और आप गुजरात से हो तो लोकल ट्रांसपोर्टेशन से आप यूज़ करके आ सकते हो। यहाँ का जो अपनी ST बस है वो भी खुल चुकी है, उसमें लग्जरी बस और जो वोल्वो आती है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। तो आप बस से भी आ सकते हो और बस से भी ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ पर कोई बॉर्डर पर कोई हमें रुका गया नहीं था कि COVID-19 टेस्ट वगैरह चाहिए, ऐसा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। दीव की जो गवर्नमेंट है उसने टोटली ओपन कर दिया है कि आप यहाँ पर आ सकते हो और दीव में आप घूम सकते हो। और होटल की बात करें तो होटल भी टोटली ओपन है, होटल में भी आपको कोई COVID-19 टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। बट आप ऐसे कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया से आते हो तो अपना कोविड टेस्ट साथ में रखें सेफ्टी के लिए, बाकी कोई ऐसी वो रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप अदर स्टेट से भी आते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर फील फ्री ट्रैवल कर सकते हो। होटल में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, होटल भी आपको इजीली मिल जाएगी, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। होटल और फूड पर मैं स्पेसिफिक एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसके अंदर आपको जो होटल वगैरह कहाँ पर रुकना चाहिए नहीं वो सब आपको जानकारी मिल जाएगी। और हम हेरिटेज जो प्लेसेस है और यहाँ पर जो टूरिस्टिक प्लेस है उसके बारे में बात करें तो म्यूज़ियम वगैरह भी अभी बंद है, चर्च खुल गया है, और यहाँ का जो फोर्ट है वो भी टोटली ओपन हो चुका है। तो आप फोर्ट में भी विजिट ले सकते हो और वहाँ पर कोई भी फी या वगैरह कुछ चार्ज नहीं है, उसके ऊपर सब स्पेसिफिक वीडियो आएंगे। तो आप स्टे ट्यून रहिए, मैं सभी के सभी यहाँ पर जो दीव की प्लेसेस है अच्छी अच्छी उसकी वीडियो स्टेप बाय स्टेप अपलोड करूँगा। स्टे ट्यून गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली और मज़ेदार वीडियो में।